मुल्क हिंदुस्तान का सबसे छोटा शायर जो नन्हे शायरों के छाती पे चढ़ के सलीके से अजान दिया है, जिसे दुनिया कैफ सल्लमहु के नाम से दुनिया याद करती है। कैफ मौवी से गुजारिश करता हूँ, जो मऊ से ताल्लुक रखते हैं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। बकौल दिल खैराबादी साहब के अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा इंशाअल्लाह। डैश पर बैठे तमाम उलमाए किराम और मेरे सीनियर शुरा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम, खुल के पढ़ो बेटा। आइए दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं नकीब हिंदुस्तान शेर हिंदुस्तान आली जनाब मुजाहिद हजरत हबीबी साहब। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, जितनी तारीफ की जाए की कम है। आइए दोस्तों, सभी की दुआएं लेते हुए स्टेज पर बैठे तमाम शुरा किराम, मेरे बड़े भाई तावी शेहान साहब, शहाब नुमानी साहब, मेरे बड़े भाई जिनकी तोसे से मेरी हाजिरी हुई, अशफाक बैराची साहब, सभी की दुआएं लेते हुए मुजाहिद भाई खास मुलाहिज़ा फरमाए। मतलब हाँ, मतलब देखे दोस्तों, ये टूटी चटाई पर पूरा मजमा मचल कर बोलते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है, कहरत से नाता क्या देखता है, ये मिट्टी का बर्तन। चेक पर बैठे हुए तमाम लोगों से दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास। ये टूटी चटाई, ये टूटी चटाई, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन है, कहरत से नादा क्या देखता है, अरे हमारी भी मोहम हरी भी मोहम्मदी के घर में परी है, मेरे घर का सामान क्या देता है, ये टूटी चटाई या मिट्टी का बर्तन है, तारस से नादान क्या देखता है, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देता है। मुशायरा अब शुरू हुआ जी, आप लोग बेदार हैं, रह कबल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, अब मुशायरा अरूज कर रहे मुजाहिद भाई। आइए एक नाते पाक का मक्ता हाजिर करता हूँ, बहुत ही प्यारा मक्ता है मुजाहिद भाई, आप बतौर खास सुने अशफाक भाई बतौर मतला फिर पढ़े सदरे मेरे मुशायरा का हुक्म। बुजुर्ग की मेरे बड़े लोगों की दुआएं हैं ये, बस उनकी दुआएं मिल जाए मेरे लिए बहुत है, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन है, कहरत से नादान क्या देखता है, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। आइए दोस्तों, अब मैं नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ मुझे भाई बतौर खास। फकीरी में भी शहनशाही के मुझे के बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, कुर्बान जमाना है के बिन देखे मुखा
छत पे कुर्बान जमाना है, कुर्बान जमाना है। एक बार पूरा मजमा मचल कर बोलते सुभान अल्लाह के बिन देखे मुकम्मत पे कुर्बान जमाना है, कुर्बान जमाना है। अरे सरकार दो आलम का मैं क्या पूरा आलम ही दीवाना है, पूरा आलम ही दीवाना है। सरकार दो आलम का पूरा आलम ये दीवाना है। ये शेर देखिए बतौर खास, इस शेर में बिल्कुल सच्चाई है, बढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा पर मैं के उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, पहुंची है मेरी किस्मत। अरे जिस दिन से मुहम्मद का तो पर तराना है, तो पर तराना है। और मुजाहिद भाई तारिक के हवाले से शेर हाजिर करता हूँ। मुजाहिद भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए के सरकार के यारों से बेहतर है बेहतर है कहाँ कोई। इस शेर पर तमाम लोगों की दुआएं चाहूंगा के सरकार के यारों से बेहतर है कहाँ कोई, बेहतर है कहाँ कोई। अरे आका के जमाने सा, अरे आका के जमाने सा नहीं कोई जमाना है, नहीं कोई जमाना है। के बिन देखे मुहब्बत पर कुर्बान जमाना है, कुर्बान जमाना है। अरे सरकार दो आलम का मैं क्या पूरा आलम ही दीवाना है, पूरा आलम ही दीवाना है। और आइए मुजाहिद भाई एक नाते पर गायक बनकर और दूसरे पर कि मैं अपनी जंगल लेता अता करे भाई खास मुलाजा पर मैं बहुत ही प्यारी नात है अशफाक भाई और मेरे दीदार भाई मुजम्मिल हया साहब सभी की दुआ लेते हुए पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा पर मैं। चांद से भी चांद से भी चांद से भी बढ़ के ये सूरत रसूलुल्लाह के, चांद से भी चांद से बढ़ के है सूरत रसूलुल्लाह, चांद से भी बढ़ के ये सूरत रसूलुल्लाह की, चांद से भी बढ़ के सूरत, चांद से भी बढ़ के सूरत है रसूलुल्लाह की। दिल में घर मोमिन के है चाहत रसूलुल्लाह की, चाहत रसूलुल्लाह की। चांद से भी अब जिसके लिए मैंने मतलब का सहारा लिया वो शेर में हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई बहुत ही प्यारा शेर मुझे बहुत ही अजीज है पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। जन्नतुल फिरदौस भी जब उन सदके में बनी, जन्नतुल
पे उनके सदबे में बनी, हाँ उनके सदबे में बनी जन्नत फिरे दोस्त भी जब उनके सदबे में बनी, हाँ उनके सदबे में बनी कैसे दोजख कैसे दोजख कैसे दोजख जाएगी उम्मत रसूलुल्लाह उम्मत नारे तकबीर नारे तकबीर कुल हिंद नादिया मुशायरा सरजमीन रिसिया बाजार बहराई जनाब अशफाक बहराई जी जनाब मोहम्मद कैफ सल्लमहु चांद से भी जन्नत फिरे दोस्त भी जब उनके सदके में बनी, उनके सदके में बनी कैसे दोजख कैसे दोजख कैसे दोजख जाएगी उम्मत रसूलुल्लाह की उम्मत रसूलुल्लाह की कैसे दोजख के। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमा ले देख लो देख लो हाँ देख लो अजमत मेरे आका के गारे सोर में गर क्या बात है क्या अपने जहर में रखे और मेरा ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए देख लो अजमत मेरे आका के गारे सोर में देख लो अजमत मेरे ये थे बहुत नन्ना शायर आपका अजीज मोहम्मद कैफ सल्लमहु। आप लोग अपनी दुआओं से नवाजे ये बच्चा हिफ्ज करना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह दो से तीन पारा हिफ्ज भी किया है ये दो तीन महीने के अंदर और माशाल्लाह आपकी दुआएं रही तो मुझे उम्मीद है जितना जहन का ये तेज है इंशाल्लाह एक डेढ़ साल के अंदर हिफ्ज मुकम्मल कर लेगा। और नन्हे शायरों में हमने स्टेज पर धड़ल्ले से देखा है मेरे दोस्तों के हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में पढ़ते हुए लिखी हुई तहरीर को, लेकिन ये इतना नन्हा शायर पहली मरतबा मेरी आंखों ने ये देखा कि उर्दू में लिखी हुई शायरी पढ़ रहा है। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। आइए मेरे दोस्तों वक्त की किल्लत दामनगीर है, हमारे बड़े भाई जनाब इकबाल साकिबी साहब एक अच्छे नाज़िम हैं, बहुत खुलूस के पैकर का नाम है, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है मुशायरे के बैनर और तमाम इस तरह के जिम्मेदारी को इन्होंने भरपूर अंजाम तक पहुँचाया, इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हम तमाम शायरों की खिदमत में हमेशा खड़े रहे, हालांकि हम लोगों को चाहिए था कि इनकी खिदमत में खड़े रहते, लेकिन ये उनका हुस्न जन है कि वो अपनी मेहमान नवाजी का सबूत उन्होंने पेश किया कि हम मेज़बान हैं तो खिदमत का मुझे मौका मिले, यही इनकी अदा है जो जानलेवा है और हम लोग इनमें गिरफ्तार होकर और अपने अलग अलग सूबों में चले जाते हैं।